चक्रधरपुर थाना अंतर्गत विगत 12 नवंबर को संध्या में कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा कमल देवगिरी की हत्या भारत भवन चौक के पास की गई थी, जिसके संबंध में घटना के संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने एक सैटी का गठन किया और सैटी ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से घटना के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी अनुसंधान करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया है। पूर्व में इसी घटनाक्रम में हम लोग जो इस घटना के दो अभियुक्त हैं, मतीउर रहमान और गुलजार, उनको दिनांक 20 तारीख को अरेस्ट कर 21 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी क्रम में हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी कि इस घटना के जो मुख्य साजिशकर्ता है सतीश प्रधान, वो घटना के बाद से विभिन्न जगह बदल बदल कर विभिन्न स्थानों पर प्रवास कर रहा था, जिसमें सबसे पहले वो जमशेदपुर भागा, उसके बाद रांची, राउरकेला और फिर पुनः जमशेदपुर से वो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि वो बलिया में कुछ दिनों से 2-3 दिनों से रह रहा है। उस सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाकर वहाँ पे रेड करवाया और यूपी पुलिस के सहयोग से हम लोग उसको गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं। और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ के क्रम में उसने अपने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने साथ साथ जो अन्य 7 सहयोगी हैं, जिसमें 2 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी भी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उसने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य कारण था, पिछले वर्ष जो मृतक हैं और सतीश प्रधान, इन दोनों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी और बिकॉज उस समय इसकी शादी होने वाली थी और जिसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध था, और उसी घटनाक्रम का बदला लेने के लिए इसने विगत लगभग 6 महीने से ये लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की सोच बना रहे थे। और उसी क्रम में मौका देखते हुए दिनांक 12 नवंबर को ये पूरे घटना क्रम को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। इसके साथ जो अन्य इसके सहयोगी हैं उनके संबंध में हम लोग हमारी विभिन्न टीमें जो भी आसूचना है उसके आलोक में विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर रही और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द ही अन्य जो फरार अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में हम सफल रहेंगे। सर, ये आठ इसने बात बताई है कि जो अन्य जो मुख्य साजिशकर्ता जो हम लोगों ने पहचान की थी जाहिद, तो लगभग 70,000 रुपये अभी तक इसने जाहिद को अन्य अन्य समय पर दिए हैं और जो पैसा देने का मुख्य कारण था वो इस हत्या को अंजाम देने की ही बात थी। जाहिद के पकड़ने के बाद हम लोग और विस्तृत तरीके से विस्तृत रूप से इस पूरे घटनाक्रम के में और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके क्या क्या रोल रहे हैं इसके संबंध में विस्तृत रूप से आपको बता पाएंगे। पिछले वर्ष इनका कुछ आपसी विवाद था, उसी को लेकर ये मारपीट हुई थी और जिसके संबंध में दोनों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों लोग जेल गए थे और दोनों लोग लगभग 17-10 दिन के आसपास जेल से बाहर निकल के आए थे। और अभी जो ये घटना हुई है, इसमें जो घटना को कारित करने में जो मुख्य रूप से 2 लोग इन्वॉल्व थे वो जाहिद और रकीब नाम का एक व्यक्ति था, इन दोनों की संलिप्तता प्रकाश में आई है जो इन लोगों ने पूरे घटना को अंजाम दिया। और बाकी जो अन्य 6 लोग हैं ये लोग पूरी प्लानिंग में, रेकी में और सूचना आदान प्रदान करने में इन्वॉल्व थे। बिल्कुल क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो भी हम लोग के पास सूचना है उसके आलोक में हम लोग छापामारी कर रहे हैं। परिवार वाले अभी तक इस प्रकार की कोई भी बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन जो उनकी आशंकाएं हैं उनका पूर्ण रूपेण हम लोग जो भी पहलू वो बताना चाह रहे हैं उन सारे पहलुओं पर हम लोग विधिवत अनुसंधान करेंगे और सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम लोग अनुसंधान जारी सर, घटना है। हम लोगों के पास नहीं है, जो जिस प्रकार से वो मीडिया में बात प्रकाश में आई है उसके संबंध में हम लोग छानबीन करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे।